सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब खड़े 20 वाहनों में से 4 वाहनों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। 4 खड़े बलकर से तेज लपटे देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाकर पुलिस दमकल विभाग को सूचना दी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। 4 बलकर जलकर खाक हो गए। मौके पर आग पर काबू पाने के लिए एनसीएल के 2 दमकल पहुंचे थे, जहां वह आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जहां से 4 बलकर जलकर खाक हो गई। तो वहीं अन्य कई वाहन खड़े थे, जहां अचानक धुएं को देख लोग सहम गए। जब तक लोग घटनास्थल पहुंचे, तब तक में धू धू कर बलकर जल रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही जमीन, जिसके जमीन पे है ये पूरा गाड़ियों का काफिला रखा हुआ है, इनके सबसे बड़ी लापरवाही इनकी है। इसमें एक भी आदमी नहीं रहता है। अगर ये रहता तो आज ये आग नहीं लगी होती। हो सकता है कि कहीं ना कहीं महुआ बिनने वाला सीजन चल रहा है, महुआ बिनने वाला किसी ने आग लगा दिया होगा पत्ता उत्ता जलाने के लिए। उनसे हम 4 गाड़ी तो ऐसे दिख रही है और 8-10 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। क्या लगता है? देखिए, नगर निगम में मात्र एक ही गाड़ियाँ हैं। अब एक गाड़ी कितना कवर करेगी उसको? इस कारण से जो है हम लोग काबू ना कर पाए। हम लोग क्योंकि हम लोगों ने कंप्लेन किया, उसमें मात्र एक ही गाड़ी आ पाई थी। प्रशासन की, नगर निगम की लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि अगर हमने कंप्लेन किया और गाड़ी 2-3 गाड़ी अवेलेबल नहीं हुआ तो लापरवाही सरकार प्रशासन की है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट।